अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पेपर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5054 वन टू अक्टूबर नवंबर 2018 हम वो सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो है ये लेक्चर जो है इस लेक्चर का पार्ट थ्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होना है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो लेंथ ऑफ द वायर जो है 0.5 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है और रेजिस्टेंस 0.75 है, ठीक है। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सेम होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो सेम हो दोनों के लिए, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे R2A over L2 is equals to R1 A1 over L1। हमें R2 की वैल्यू चाहिए। The length of 2 meter and cross sectional area is 0.5. What is the resistance of the longer wire? Longer wire कौन सी है? 2 meter. तो इसकी हमें जो है resistance चाहिए। So R2 is multiply area की वैल्यू है 0.5 × 10⁻⁶ over 2, that is equals to R1 क्या है 0.75, मैं इसको ब्लू से लिख लेता हूँ 0.75, और ये वैल्यू है एरिया जो है 1 × 10⁻⁶ है, तो मैं 10⁻⁶ ही लिखता हूँ, 1 नहीं लिखता, और लेंथ जो है वो डिनोमिनेटर में आ रही है 0.5। अब आप देखें क्या चीजें कैंसिल हो रही है। 10⁻⁶ इज सेम ऑन द बोथ साइड्स, इट विल कैंसिल, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.5 जो होगा वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो आर टू विल बी इक्वल्स टू 0.75 मल्टीप्लाइड टू ओवर 0.5 स्क्वायर हो जाएगा। सो यू विल गेट, अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 6 ओम्स रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, और दैट इज अ डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और उसकी रीजन ये है कि जब आप लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, बिकॉज रेजिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल्स टू एल ओवर ए। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो एरिया के इनवर्स रिलेशन है और लेंथ के डायरेक्ट रिलेशन है, तो दैट इज अ मेन फार्मूला। हमने इससे ये ड्राइव किया क्योंकि दोनों का सेम मटीरियल था, तो मैंने ये कैलकुलेशन की है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 33 देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 में है। इन अ लाइटनिंग सर्किट द स्विच इज प्लेस्ड इन द लाइव वायर, व्हाई इज दिस? A lamp in the circuit can be isolated from the supply, the fuse in the neutral wire, the switch does not work in the neutral wire, too much current flows in the earth wire. तो अब problem ये होता है, अगर आपने live circuit देखा हो, let's suppose ये मैं green से नहीं draw करता, मैं red से draw कर लेता हूँ, जिसमें से that is a live wire, और मैं यहाँ पर एक supply बना देता हूँ, that is a supply. अब मैं यहाँ पर जो है different bulbs मैंने hang करने हैं, तो वो हैंग कर देता हूँ, और मैंने दरमियान में स्पेसेस इसलिए दे दी हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लगा देने हैं, स्विचेस लगा देने, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, ठीक है। इट विल लाइट अप व्हेन व्हेन आई जॉइंट दिस स्विच, मतलब ये सर्किट अगर क्लोज कर देता हूँ, बटन को पुश कर देता हूँ, तो जब आप बटन पुश करते हैं तो वो सर्किट क्लोज हो जाता है, मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जब आप यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इस एरिया को ओपन कर लेते हैं, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि ए लैम्प इन द सर्किट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम, तो सप्लाई जो है हम स्विच जो है इन द लाइव वायर इसलिए लगा देते हैं। अब देखें ये स्विचेस लगे हुए हैं, जैसे ही स्विच मैं डिस्कनेक्ट करूंगा बल्ब जो होगा सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये ऑन रहेंगे, ये वर्किंग में रहेगा, ये भी ऑन रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ,
ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन कि आप जिसको मर्जी ऑफ करना चाहें तो वही ऑफ होगा, बाकी नहीं होगे। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, द फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर नहीं होता, फ्यूज तो करंट कंट्रोल करने के लिए होता है, न्यूट्रल वायर में तो करंट आ नहीं रहा होता, ठीक है, लाइव वायर में करंट होता है, और द स्विच डज नॉट वर्क इन द न्यूट्रल वायर, स्विच को न्यूट्रल वायर के लिए तो स्विच की जरूरत ही नहीं है, तो वर्क की क्यों ऑप्शन है उन्होंने दी है। टू मच करंट फ्लोस इन द अर्थ, नो, जो है अर्थ वायर में बड़ा मामूली सा करंट जाता है, जो लीकेज ऑफ द करंट होता है, एक्स्ट्रा करंट होता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 34 में है, विच केबल्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द हाईएस्ट वोल्टेज। तो जिस हाईएस्ट वोल्टेज कौन सी वायर में होगी, पहली बात है जिसका जो है हम चाहते हैं कि जैसे एक टाउन से दूसरे टाउन, एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं तो हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं और वो बड़ी खतरनाक होती हैं, लेकिन हम इसको स्टेप अप कहते हैं, ट्रांसफार्मर में स्टेप अप कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंज्यूम होती है अगर वोल्टेज हाई होती है। इफ वोल्टेज इज हाई, वोल्टेज इज हाई, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, लो इलेक्ट्रिसिटी, ये लो पावर इज कंज्यूम, दैट इज द मेन रूल। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप। अब स्टेप अप कब होता है, हमने इस चीज को देखना है कि स्टेप अप कब होता है। अब पावर केबल बिटवीन द टाउन्स, दो शहरों के दरमियान क्या होता है, हम वोल्टेज को हाई कर देते हैं और जो है वो लो करंट पास करता है, जिससे जो है ना पावर लॉस कम से कम होता है। लेकिन हाउस लाइटनिंग केबल, हाउस होल्ड लाइटनिंग केबल, नो, अ केबल फ्रॉम द बाईसाइकिल डायनामो टू अ लैंप, ये थिन वायर्स होती हैं, तो जो थिन वायर्स होती हैं ये बहुत स्मॉल करंट के लिए यूज की जाती हैं और इनमें रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है, जितनी छोटी सी छोटी पतली सी पतली, जैसे हमारे पास हैंड्स फ्री होते हैं, ये वायर्स बहुत जो है ना वो पतली वायर्स होती हैं, तो इनकी जो है ना वो करंट, इनमें बहुत कम करंट फ्लो कर रहा होता है और कम वोल्टेज आ रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना अल्लाह ना करे लीकेज भी हो तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक जो है ना बहुत रेयर सा लगता है, तो इसलिए रखा जाता है। तो हाई वोल्टेज जो है वो एक शहर से दूसरे शहर, डैम से टाउन तक के लिए होती है, और जो है वो ये मैंने उसकी ऑप्शंस आपको बता दी हैं। नाउ अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास है A thermistor is and the light dependent resistors are connected in series, which आपको पहली बात पता है, थर्मिस्टर का पता होना चाहिए, व्हाट इज थर्मिस्टर, थर्मिस्टर जो होता है वो नेगेटिव कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टर होता है, नेगेटिव कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर, नेगेटिव कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आमतौर पे ये होता है कंडक्टर्स में, ये होता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, तो ये ऑपोजिट है, तो इट्स मीन कि हॉट होने पर रेजिस्टेंस कम से कम होगी, क्योंकि हमें लीस्ट रेजिस्टेंस का कहा गया है, तो ये थर्मिस्टर के लिए। अच्छा जी, ये मुझे कैसे पता ये थर्मिस्टर है, इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर ना, ये ऊपर लाइन लगी हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, लाइट फॉल कर रही हो तो लाइट डिपेंडेंट होता है, और लाइट एग्जिट कर रही हो तो लाइट एमिटिंग होता है, तो इट्स अ लाइट डिपेंडेंट। अब लाइट डिपेंडेंट जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, ठीक है, और जब वो, इट्स मीन कि जब वो लाइट डे टाइम में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी,
और नाइट टाइम में इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी, आर मैक्सिमम यहां पर डार्क में और आर मिनिमम इन डे टाइम, ठीक है? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज सी आर ओ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। प्लीज स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। माय स्क्रीन, ओके जी। सी आर ओ एन ऑसिलोस्कोप इज कनेक्टेड टू अ डीसी पावर सप्लाई। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सप्लाई जो है डीसी है, डीसी मीन डायरेक्ट करंट है। एक एसी भी होता है, उसके लिए हमारे पास टू अलग से ऑप्शंस हैं। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। अ टाइम बेस ऑन द ऑसिलोस्कोप इज स्विच्ड ऑफ। टाइम बेस ऑन नहीं है, टाइम बेस या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। What is the scene on the screen of the oscilloscope? कौन सी ऑप्शन होगी? तो सी है, हमारे पास ये चार, आप लोगों ने इस डायग्राम को देखें सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहां पे देखें कि डीसी के केस में ये होता है कि अगर दोनों मैंने बता दी हैं, अगर डीसी जो है इनपुट टाइम बेस ऑफ हो तो ये बिल्कुल डॉट यहाँ पे होता है ऑफ के केस में, लेकिन ऑन हो तो स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ नहीं होगी, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज डीसी, डीसी मीन डायरेक्ट करंट जिसकी यूनि डायरेक्शनल, डीसी मीन यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन होगी, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है? और यहां पे देखें यही एसी है। अगर जो है हमारे पास एसी इनपुट व्हेन टाइम बेस फास्ट टाइम बेस और स्लो टाइम बेस, तो एसी जो होता है इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, तो इट इज लाइक साइन वेव ज़िगज़ैग जो है वो साइन वेव, साइनोसाइडल वेव्स होती हैं। तो हमें यहाँ पर जो है डीसी के बारे में कहा गया, तो करेक्ट ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ये भी बी रॉन्ग है, राइट पे आ गया। तो ये लाइंस जो है तब हो सकती हैं, हॉरिजेंटल होती है लेकिन ऊपर आती है, जब टाइम बेस क्या होता, ऑन होता, लेकिन यहाँ पे तो ऑफ है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और अब मैं इसको रेस कर देता हूँ, ये जो वर्किंग मैंने की है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डज द अल्फा रेडिएशन गिव ऑफ बाय द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ। अल्फा रेडिएशन, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, आई थिंक सो जे जे थॉमसन, ठीक है? और उन्होंने ये डिड्यूस किया था कि अल्फा रेडिएशन गिव ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ, तो हीलियम, हैवी हीलियम न्यूक्लियाई, तो फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स नहीं है, माइक्रोवेव्स नहीं है, तो हीलियम न्यूक्लियाई के उसका सेंटर जो है वो हैवियर है, ठीक है? तो अल्फा रेडिएशंस में अगर आप देखें ना, ये ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ड्यूट्रियम 1 2 प्लस हाइड्रोजन का आइसोटोप्स 1 3, तो ड्यूट्रियम और ट्राइटियम मिलती हैं तो क्या बनता है, इनको हम अल्फा कहते हैं ना, तो ये 4 2 मैंने राइट साइड पे लिखना था, लेफ्ट साइड पे लिखना था, दिस इज और न्यूट्रॉन 1 0 और प्लस एनर्जी, दैट इज अ मेन इक्वेशन। तो यहाँ देखें ये बैलेंस है और ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स क्यों एग्जिट हो रहे हैं जब हीलियम पार्टिकल्स जो है न्यूक्लियाई कंसिस्ट करते हैं? तो गोइंग टू द नेक्स्ट, अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो गया, बस दैट वाज द लास्ट।
दैट वॉज 37। और कौन सी इमेज रह गई है? सॉरी, इसको ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर मौजूद है। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्टर इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज द करेक्ट? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर के अकॉर्डिंग? इन द रिएक्टर द मेन रिएक्शन अकर्स व्हेन द प्रोटॉन हिट्स यूरेनियम न्यूक्लियाई। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होता है, लेकिन दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। हम उसमें एनर्जी बना रहे होते हैं। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्टर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिशन भी हो सकता है, और फिशन ही होता है, फ्यूजन ही हो सकता अर्थ पर पॉसिबल। तो दैट इज वाई बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द रिएक्टर प्रोड्यूस एनर्जी टू बॉयल वाटर एंड टू प्रोड्यूस द स्टीम। यस, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम स्टीम बनाते हैं। और स्टीम से क्या करते हैं? स्टीम का एक प्रेशर होता है, तो जब स्टीम एग्जिट होती है तो सामने जो है वो टर्बाइन होते हैं, जो कि क्या होना शुरू हो जाते हैं, रन होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ गोइंग टू 39, द रिजल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव द एविडेंस फॉर द फॉलोइंग। तो अगर जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी स्कैटरिंग होती है, तो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट होके वापस आए और कुछ जो है बाउंस बैक होके इधर चले गए, पाथ चेंज किया, और कुछ जो है वो स्ट्रेट पास कर गए। ठीक है, तो उन्होंने यही डिड्यूस किया कि एटम जो है उसका सेंटर कोर जो है वो हैवियर है, और वो उसके जो है कुछ स्पेसेस हैं, सेंटर जो है हैवी है जिसको न्यूक्लियर कहते हैं, और बाकी जो है उसमें कुछ ना कुछ स्पेसेस हैं। द रिजल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ। हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का ऑब्जेक्शन क्या होता है कि उसमें ड्यूटियम और ट्राइटियम मिलते हैं और अल्फा पार्टिकल बनता है, तब वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है और उससे स्कैटरिंग कराई जा रही है। ठीक है, न्यूक्लियर डिके नहीं, डिके नहीं हो रहा, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप्स नहीं, तो एक जस्ट जो है न्यूक्लियर एटम का पता चलाया जा रहा है। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द टू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट इज करेक्ट? अगर डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं और एलिमेंट सेम होता है, तो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, वो जो है वो सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट अबाउट द टू इज द करेक्ट? तो हम यही देखेंगे, आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, लेकिन यहाँ पर एक गलत बात लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता। बोथ आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, यस, both isotopes have same number of protons in the, ठीक है जी, both isotopes have same number of neutron, तो neutron different होता है, that's why this is a wrong answer, ठीक है, both isotopes same number of nucleons, नहीं, तो B is the correct option, तो that was my lecture, तो मैंने पूरी कोशिश की है थोड़ा speed up होके काम करें, जल्दी जल्दी बोलें ताकि आपका time सेव हो सके और आप अपने राइट आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।